हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो हर एक मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो ये चाहते हैं कि जब यीशु मसीह आए तो वो अपने साथ आपको ले जाए। ऐसे लोगों के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यीशु के संग जाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के मत देखिए। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप बाद में वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा कि आज का वीडियो हर एक मसीह भाई बहन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं और इस इंतजारी में हैं कि यीशु एक दिन बादलों से आएंगे और अपनी कलीसिया यानी कि हम पवित्र लोगों को लेकर वो स्वर्ग चले जाएंगे। ये हमारा विश्वास है और ऐसा होने वाला भी है, ठीक है। सिर्फ विश्वास करके ही नहीं बैठे हैं, हमें पता है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा उन लोगों के साथ होगा, उनके साथ होगा जब यीशु आएंगे, वो लोग उठाए जाएंगे जो बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। अगर सिर्फ आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आएंगे लेकिन आप काम नहीं करते हैं वचन के अनुसार, तो फिर आप जाने वाले नहीं हो। ये आप दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप ये विश्वास करते हो कि यीशु आएंगे, बिल्कुल सत्य है, लेकिन अगर आपका जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इसीलिए रोज दिन भर जो भी काम करते हो, जब भी आप बैठते हो, जो भी खाते पीते हो, हर समय अपने आप को परखते रहना, जांचते रहना बाइबल के अनुसार। अगर आप बाइबल के अनुसार अपने आप को नहीं जांचोगे तो अनंत काल का नरक में डाले जाओगे, याद रखिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति बाइबल के अनुसार खुद को नहीं जांचता है वो खुद को पवित्र करने के लिए सक्षम नहीं है। आपको पता होना चाहिए बाइबल में किन किन बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है, कैसे करके आपको पवित्र जीवन जीना है। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप बाइबल पढ़ो। आप बाइबल को घर में सजा के रखने के लिए थोड़ी दिया गया आपको। परमेश्वर ने अगर हर एक के हाथ में अपना कलाम दिया है, अपना वचन दिया है, वो इसलिए नहीं दिया है कि आप संडे के दिन निकालो और चर्च जाने के काम आता है, और चर्च से वापस आने के बाद उस बाइबल को अपने घर के किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ पर कोई भी हाथ ना पहुंचे किसी का, ऐसे रखने के लिए नहीं है। ना ही बाइबल को तकिए के नीचे रख के सोने के लिए दिया गया है, बाइबल को पढ़ने के लिए दिया गया। आप बाइबल पढ़ें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि बाइबल समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर प्रदान करे, और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा उसका पूरा मसीहत का जीवन बेकार है। अगर वो मसीहत में जी रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहा है, और अंत में अगर वो स्वर्ग ही नहीं जाता, इससे आपको क्या लाभ होगा। इसीलिए डेली अपने जीवन को परखिएगा। मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में इस घटना के बारे में जिक्र किया है, मैं आज फिर से आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ा है, मत्ती 25 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे वहाँ 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है। कभी आपने गौर किया है कि उस 10 कुंवारियों में से 10 के 10 कुंवारियां थी? ऐसा तो नहीं थी कि 10 शादीशुदा थी और 10 कुंवारी थी, 10 के 10 कुंवारियां थी, और उसके बाद 10 के पास मशाले थी। ऐसा नहीं था कि 5 के पास मशाले थी और 5 के पास मशाले नहीं थी, 10 के पास मशाले थी। लेकिन ऐसी क्या घटना उनके जीवन में घट गई कि 10 में से सिर्फ 5 ही उस दूल्हे के संग जा पाई। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? आप चर्च जाते हैं, आपकी कलीसिया के लोग भी चर्च जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस कलीसिया के सारे लोग स्वर्ग जाएंगे। आप जिस चर्च में जाते हैं जरूरी नहीं है कि उस चर्च के सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये भी जरूरी नहीं है कि पास्टर स्वर्ग में जा रहा है, ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक विश्वासी स्वर्ग में जा रहा है, क्योंकि पास्टर भी, कई पास्टर जो है वो नरक में डाले जाएंगे। कई सारे ऐसे विश्वासी है जो नरक में डाले जाएंगे क्योंकि उनका जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल को प्रचार तो जरूर करते होंगे, लेकिन बाइबल के अनुसार आप अगर नहीं जिएंगे तो आप स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे। आपको मालूम है नरक में बहुत सारे प्रचारक भी होंगे, बहुत सारे पास्टर और ये जो झूठे भविष्यवक्ता, ये सब नरक में भी मिलेंगे, आपको दिखेंगे वहां पर चिल्लाते हुए, क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान के संग जादू टोना करने वाले झूठे भविष्यवक्ता और जितने लोग उसके पीछे चलते थे सबको उठाकर अताकुंड में डाल दिया गया। मेरे दोस्तों, अब आपको देखना होगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। उन 10 कुंवारियों के संग में आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अगर हम वचन पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है मत्ती 25 अध्याय और उसका 1 आयत में लिखा है, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। ठीक है, 10 के 10 अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। प्रभु कहता है कि सारे कलीसिया
जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जो पास्टर प्रचार कर रहे हैं, जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, जितने भी प्रभु के दास लोग कहलाते हैं, इनमें से सारे के सारे भले ही यीशु पर विश्वास करने वाले हों, लेकिन इनमें से कुछ लोग मूर्ख हैं और कुछ लोग समझदार हैं, ये ध्यान रखिएगा। और लेकिन सबके पास बाइबल जरूर है ना। इन दसों कुंवारियों के पास क्या था? मशाले थी, यानी कि बाइबल था, परमेश्वर के वचन था, लेकिन उसमें से पांच ने उसके अनुसार जीवन जिया, इसलिए वो पांच समझदार बन गई, और जो पांच ने उसको होते हुए भी उसके हिसाब जीवन नहीं जिया, वो मूर्ख बन गई। मेरे प्रियो, आगे के वचनों में अगर आप पढ़ेंगे, देखते हैं कि उन पांचों ने क्या करा। वो दूल्हे से भेंट करने को निकली। जब यीशु के आगमन का समय हुआ, तो अभी देखिए यीशु के आगमन के लिए बहुत सारी भविष्यवाणी हो रही है, जबकि ऑलरेडी बाइबल पहले से ही बता चुका है कि यीशु के आने से पहले क्या क्या घटना होने वाली है। सब लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है जो यीशु ने पहले ही बताया है, सब घटनाएं वही हो रही है जो बाइबल में लिखी गई हैं। इसीलिए अब सब तैयारी में लग गए यीशु के आगमन के लिए, लेकिन इस तैयारी के चक्कर में, इस जल्दबाजी के चक्कर में कहीं आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना तो नहीं भूल जा रहे हो? कहीं आपके पास मशाले तो हैं, लेकिन कहीं आप अपना तेल लेना तो नहीं भूल गए हो? इन दस कुंवारियों में से पांच लोग क्या निकली? वो अपने साथ मशाले तो उन्होंने लिया था, उनके पास चर्च था, उनके पास बाइबल था, उनके पास अच्छी कलीसिया थी, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? उनके पास पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई नहीं था, पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं था, जिस कारण वो दूल्हे से भेंट नहीं कर पाई। लेकिन जो अच्छी कलीसिया के पांच लोग थे, जो पांच कुंवारियां थी, समझदार थी, उन्होंने बाइबल लिया, उन्होंने वचन को पढ़ा, उन्होंने पवित्र आत्मा का सहायता लेकर बाइबल के अनुसार जीवन जिया, इसीलिए उनके पास मशाले थी और उनके पास कुप्पी के साथ साथ एक्स्ट्रा तेल था, अलग से तेल था। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में बाइबल है, चर्च है, कलीसिया है, लेकिन अगर आप उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे बाइबल के अनुसार, आप सिर्फ मशाल लेके चल रहे हैं, आपके पास तेल और कुप्पी नहीं है। यही है इस वचन को समझने का तरीका। आपको समझना होगा, आपको अपने जीवन को जांचना होगा। यहां मैं बैठ के आपको दुखी करने के लिए नहीं, आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत दुखी हो जाओ। आप डरो, इन बातों को सुनकर आप थरथरा के कांपो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। उस समय अगर आप भेंट करने के लिए निकले हैं और अगर उस द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, आपके लिए द्वार बंद कर दिया जाता है, फिर संसार की कोई ताकत उस द्वार को नहीं खोल सकता, क्योंकि नूह के समय में जो हुआ था वो अब भी होगा। परमेश्वर ने जब नूह को जहाज में चढ़ाया, उसने खुद अपने हाथों से उस द्वार को बंद कर दिया और कोई उस द्वार को नहीं खोल पाया। इसी प्रकार यीशु के आगमन पर होगा। जब यीशु आएगा तो जो पवित्र लोग होंगे वो उसके संग उठा लिए जाएंगे, उसके बाद कोई ताकत आपको यीशु के संग स्वर्ग नहीं ले जा सकती। इसीलिए आज समय है, आज टाइम है, अपने जीवन को परखो, जांचो कि आप समझदार स्त्री हो या मूर्ख हो, ये देखकर अपने जीवनों को यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलाओ। मेरे प्रियो, समय बहुत कम रह गया आपके पास। ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ हंसकर मत चले जाना या दुखी होकर मत चले जाना, क्योंकि इसके बाद आप बाइबल उठाना और अपने जीवन को बाइबल के अनुसार परखना। मेरे प्रियो, या आपकी भलाई के लिए मैं बता रहा हूं, यदि आप ऐसा नहीं करते हो, दिन भर अपने जीवन को नहीं परखते हो, हर समय बाइबल के अनुसार नहीं देखते हो, तो आप भी उस पांच जो कुंवारियां थी मूर्ख, उनके समान बन जाओगे। यीशु मसीह के आने पर आप लज्जित हो जाओगे, आपको बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा और अंत में जाकर आप नरक में डाले जाओगे। इसीलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को देखो, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। उसके आने से पहले अपने जीवन को परख कर पवित्रता में जीते हुए यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। और जो पवित्र होगा वही यीशु के संग जाएगा, जो बाइबल के अनुसार चलता है वही यीशु के संग जाएगा। अच्छी कलीसिया, अच्छे पास्टर की कलीसिया, अच्छी बड़ी कलीसिया के होने से आप स्वर्ग नहीं जाते हैं। आपके जीवन में बाइबल का वचन है तो आप स्वर्ग जाते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है।